समिति का आदेश महाशिव पुराण से भोलेनाथ की गाथा गाना है। द्वितीय रुद्र संहिता प्रश्न क्रमांक 376 में सती तुलसी का विलाप अध्याय नंबर 25 एवं 26 की आप गाथा सुनने जा रहे हैं। बात उस समय की है जब सती वृंदा के बाद तुलसी का जन्म होता है। बात एक समय की, दानव शंखचूर्ण आज भगवान ब्रह्मा की घनघोर तपस्या करते हैं। इतनी घनघोर तपस्या करते हैं कि भगवान ब्रह्मा उनकी भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि हे पुत्र, तुम्हें क्या मांगना है, मांगो जो वरदान मांगना है। शंखचूर्ण कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे इतना बलशाली कर दो, इतना बल मेरे अंदर दे दो, अमर अजर कर दो कि मुझे कोई भी नहीं मार सकता। ब्रह्मा जी उनको वरदान दे देते हैं। शंखचूर्ण अपने बल का दुरुपयोग करके सारे देवलोकों में हाहाकार मचा देते हैं। एक समय शंखचूर्ण अपनी पत्नी रानी तुलसी से कहते हैं कि हे रानी, आज मैं सारे देवताओं के भगवान भोलेनाथ से युद्ध करने जा रहा हूं। तभी तुलसी मन में विचार करती है कि भगवान भोलेनाथ तो सारे जगत के पालनहार हैं, उनसे कोई नहीं जीत पाएगा। तभी सती तुलसी कहती है कि हे प्रभु, मैं आपके लिए अखंड व्रत रख रही हूं, जब तक मैं अपना व्रत आपके ध्यान में लगाऊंगी आपको कोई भी नहीं मार सकता है। और शंखचूर्ण भोलेनाथ से युद्ध करने के लिए जाते हैं, परंतु उन्हें वरदान था कि कोई भी नहीं मार सकता। और इधर रानी तुलसी ने अखंड व्रत अपने पति के लिए रखा हुआ था। भगवान शंकर से भी शंखचूर्ण का वध नहीं हो पाता है। भोलेनाथ भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं और भगवान विष्णु अपनी माया से शंखचूर्ण का रूप लेते हैं। और इधर रानी तुलसी के पास आते हैं और कहते हैं कि हे रानी, देखो मैं जीत गया, सारे देवलोकों के भगवान भोलेनाथ का वध मैंने कर डाला है और मैं सभी से बलशाली हूँ, सारे देवताओं का राजा बन गया हूँ। आप अपना अखंड व्रत अब तोड़ दीजिए, मैं जीत गया हूँ। जैसे ही रानी तुलसी अपना व्रत तोड़ती है, इधर भोलेनाथ शंखचूर्ण का वध कर देते हैं। और रानी तुलसी को शंका होती है कि आप मेरे पति नहीं हो, मेरे स्वामी नहीं हो, आप सच बताओ आप कौन हो। भगवान विष्णु अपने असली अवतार में आ जाते हैं और देखिए रानी तुलसी कहती है कि हे विष्णु, तुमने मेरे साथ छल किया है, मेरे स्वामी मेरे जगत में उनके अलावा कोई नहीं था और आपने मेरे साथ छल कपट करके उनको इस दुनिया से निकाल दिया है, अब उनके बिना मेरा कोई नहीं है। और देखिए रानी तुलसी विलाप करती क्या कहती है, क्या हेलो हेलो भैया, मंच पे कोई भी ना जा पैसे देने के लिए, समिति के पास जमा कराओ पैसे। ये दादाजी की ओर से मंडल को 501 रुपए का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। मंडल आपसे आशीर्वाद की कामना चाहती है।
प्रतिपाल तुलसी ना समझ सकी विष्णु की कोई चाल। और देखिए आज सती तुलसी विलाप करती कहती है कर चले गए, आपके बिना मेरा इस जगत में कोई नहीं है। और कहती है क्या और कैसे जीवोंगी पिया और रानी आज मंडल आपसे आशीर्वाद की कामना चाहती है। एवं हमारे बड़े पापा जी श्री रामदास यादव जी सेमरी हरचंद वाले, इनकी ओर से भी 201 रुपए का आशीर्वाद। एवं वो भी हमारे बड़े पापा जी आदरणीय श्री मधु यादव जी मालनी बागड़ा, इनकी ओर से भी 201 रुपए का आशीर्वाद मंडल को प्राप्त हुआ। मंडल आप सभी से आशीर्वाद की कामना चाहती है और कहना है प्राप्त की उनकी ओर से मंडल को 1101 रुपए का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। उनका नाम तो नहीं लेना चाहिए परंतु आदरणीय श्रीमती रितु केवट जी, आपकी ओर से 1101 रुपए का आशीर्वाद मंडल को प्राप्त हुआ। मंडल आपसे आशीर्वाद की कामना चाहती है और कहना है या। और देखिए सती तुलसी कहती है ओ साथ पिया के छूट गया इनेश मास को ले, आपकी ओर से 501 रुपए का आशीर्वाद मंडल को प्राप्त हुआ। एवं आदरणीय सम्माननीय श्री हमारे दादाजी श्री नानूराम यादव जी, आपकी ओर से भी 201 रुपए का आशीर्वाद मंडल को प्राप्त हुआ। एवं श्री बलराम पटेल सरपंच लखनपुर वाले, आपके करकमलों से भी 101 रुपए का आशीर्वाद मंडल को प्राप्त हुआ। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते और कहना है या।
ओ